फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर शहर के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर पेरेंट्स धरना लगाते या प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। चंडीगढ़ में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के केस रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ शहर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। निजी स्कूल बिना किसी की परवाह किए लगातार फीस को बढ़ाए जा रहे हैं। इसके विरोध में बुधवार सुबह 9 बजे अभिभावकों ने अजीत करम सिंह इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 45 के बाहर धरना दिया। वहीं शिशु निकेतन स्कूल सेक्टर 43 के बाहर भी फीस के विरोध में अभिभावक जुट चुके हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बिना किसी की परवाह किए फीस को बढ़ा रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन के दौरान भी फीस जमा करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सेक्टर 45 में पहुंचे अभिभावकों ने एक ज्ञापन बनाकर फीस रेगुलेटरी कमेटी को देने का निर्णय लिया है। इस ज्ञापन पर 150 से ज़्यादा अभिभावक हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल ने कहा कि जब तक शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।